कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला कलेक्टर ने आला अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सुरक्षा बरतने के लिए प्रशासन हुआ मुस्तैद। देश में फैले कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नरसिंहपुर जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्कूल, पुलिस, होमगार्ड एवं हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि विदेश से लौट रहे लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की पूरी व्यवस्था नरसिंहपुर सरकारी अस्पताल में की जाएगी। जिला चिकित्सालय में एक सेपरेट ओपीडी और सेपरेट वार्ड का इंतजाम किया गया है। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आने वाले होली के त्यौहार में सावधानी रखने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौरीशंकर लोधी, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। कोरोना वायरस को लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने कल निर्देश जारी किए हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कल बैठक के लिए सभी जिले के अधिकारियों की वीसी के माध्यम से, उसके बाद हमने जो है सभी जगह एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें स्कूल एजुकेशन को, पुलिस को, होमगार्ड को, रेवेन्यू को, हेल्थ को, इन सारे डिपार्टमेंट्स को, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। हम फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी अब हमने संपर्क स्थापित कर लिया है। जो लोग विदेशों से प्रभावित देश हैं वहाँ से यदि दौरा करके लौट रहे हैं तो उनका चेकअप वगैरह की पूरी व्यवस्था कर ली। हमने यहाँ पे नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में एक सेपरेट ओपीडी और एक सेपरेट वार्ड, दो बेड जो हैं उनके लिए आरक्षित कर दिए हैं ताकि इस तरह का कोई मरीज आए तो उसको निगरानी में रखा जा सके। सर, क्या कहेंगे, होली का त्यौहार भी आ रहा है, इसमें क्या एहतियात बरते जाएँ? होली के, देखिए, होली के त्यौहार पर ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ में यदि आप खेलते हैं जिसमें आपको पता नहीं है कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ से आया है तो आपको परेशानी नो डाउट हो सकती है। पर चूंकि नरसिंहपुर में विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित रहती है, यदि आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ जिनके बारे में आपको पता है, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में पता है, उनके साथ यदि होली का त्यौहार मनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है, वो उतनी सावधानी सभी लोगों को रखनी चाहिए। थैंक्स।